दोस्तों रनफो टेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है और हम आपको लगातार ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं जो भारत में लगभग पहली बार ही हो। ऐसे ऐसे इन्वेंशंस दिखा रहे हैं जो शायद आपने और चैनल्स पर नहीं देखे हो। आज मेरे पास एक चूल्हा आप देख पा रहे हैं नीचे, ये चूल्हा भारत में पहली बार आया है। सर भारत में पहली बार आया है या वर्ल्ड में पहली बार? ये भारत में पहली बार आया है, ग्लोबली लॉन्च हो चुका है, नीदरलैंड की कंपनी। जी तो दोस्तों ये नीदरलैंड की कंपनी है और भारत में पहली बार ये चूल्हा आ चुका है। आपको देखकर लग रहा होगा कि जिस तरह से आपके घर पर एलपीजी के स्टोव्स होते हैं, एलपीजी के चूल्हे होते हैं, आपको देखने में बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही लग रहा होगा, लेकिन ये एलपीजी वाला नहीं है। आपने अब से पहले मिट्टी के चूल्हे देखे होंगे जिनमें लकड़ी या कुछ और भी चीज़ें डालकर खाना बनाते हैं। आपने स्टील के लोहे के चूल्हे भी देखे हैं जिनमें पेवर वगैरह डालते हैं या और भी कई तरह की चीज़ें उनके अंदर डालते हैं। तो अगर हम बात करें एलपीजी के चूल्हे की, तो दोस्तों एलपीजी के चूल्हे पर जब हम सब्जी बनाते हैं तो वो तो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है, लेकिन जब उस पर रोटी सेकते हैं रखने के बाद तो रोटी बड़ी हार्मफुल हो जाती है। रोटी के अंदर उस गैस के जो तत्व हैं वो पहुँच जाते हैं जिसको हम खाते हैं और हमारी जो पाचन क्रिया है उस पर वो इफ़ेक्ट करती है। लेकिन ये जो चूल्हा मेरे पास इस समय है, ये दावा कर रही है कंपनी के इस पर बनाया हुआ खाना बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। अगर आप इस पर रोटी भी सेकेंगे तो वो भी बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। तो आखिर ये किस चीज़ से चलेगा, क्या कॉस्ट इसकी आने वाली है, भारत में नीदरलैंड की कंपनी ने किस तरह से ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन जानकारी भरपूर आपको इसमें मिलने वाली है। तो दोस्तों इसी तरह की नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो के लास्ट में हमें कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये प्रोडक्ट कैसा लगा, क्योंकि कंपनी अभी इसको लॉन्च कर रही है तो लोगों का फीडबैक जानने की कंपनी कोशिश कर रही है कि लोगों का फीडबैक क्या है, लोग इसे 10 में से कितने नंबर देते हैं या इसमें और क्या बदलाव होना चाहिए, ये सारा कुछ अभी कंपनी सर्वे कर रही है। भारत में पहली बार ये चूल्हा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और जवाब जरूर दें, कमेंट जरूर करें। सर शुभ नाम क्या है आपका और कंपनी का नाम क्या है? मेलविन स्वामी मेरा नाम है और कंपनी का नाम है विजन मेकाट्रॉनिक्स। सर कंपनी कहाँ की बेस्ड है? कंपनी मुंबई बेस्ड कंपनी है हमारी। अच्छा ये प्रोडक्ट कहाँ का सर? ये प्रोडक्ट नीदरलैंड्स का है जो हमारे साथ कोलैबोरेशन किया है और हमने इंडिया में लॉन्च किया है। जी तो सर जिस तरह से मैंने बताया था अभी वीडियो में कि एलपीजी से नहीं चलने वाला, लकड़ी से नहीं चलने वाला, तो आखिर ये चलेगा किस चीज़ से, मतलब इसमें जो एनर्जी आएगी वो कहाँ से आएगी? ये चलता है ग्रीन हाइड्रोजन पे। ग्रीन हाइड्रोजन एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है जो पोल्यूशन फ्री, एमिशन फ्री और हार्म फ्री है एनवायरनमेंट के लिए। बहुत ही ग्लोबल वार्मिंग को पुश करने वाला प्रोडक्ट है ये, हमें ये बहुत पुश करना चाहिए इंडियन मार्केट में, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है और इसके बारे में हमें चाहिए कि लोग और जाने ये प्रोडक्ट के बारे में और हमारी गवर्नमेंट जाने इसके बारे में, क्योंकि ये सब चीज़ है जो हमें पुश करेगी आगे, ग्लोबल वार्मिंग से फाइट करेगी। तो सर जो ग्रीन हाइड्रोजन का हम बात कर रहे हैं तो ग्रीन हाइड्रोजन से तो सर कार वगैरह भी चलने स्टार्ट हो चुकी है ना? ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली एक रिन्यूएबल एनर्जी है जो सोलर पैनल्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये सब एनर्जी यूज़ करके इलेक्ट्रोलाइसिस थ्रू बनती है। तो ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ करना भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसके लिए हमने ऐसे टेक्नोलॉजी बनाई है जो ग्रीन हाइड्रोजन को सपोर्ट करे। तो वो टेक्नोलॉजी बाकी सब फ्यूल्स को सपोर्ट नहीं कर पाएगी बिकॉज ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक फ्यूल है और उसको सपोर्ट करने के लिए उसकी हीट कैपेसिटी बहुत होती है। तो उसकी सपोर्ट करने के लिए ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स हमने यूज़ किए हैं जो कॉम्प्लेक्स है, बट हमने ट्राई किया है कि सबको एक साथ ला के ऐसा एक प्रोडक्ट बना पाए जो उसको बढ़ा पा दे, जो उसको ये दे पाए राइचियसनेस। अच्छा सर मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से हम एलपीजी पे खाना बनाते हैं, अब ये वाला जो सिस्टम होता है उसे कम और ज़्यादा करने के लिए होता है ना, तो ये तो कम ज़्यादा करने के लिए हो गया होगा फिलहाल अभी? ये हाँ, ये रेगुलेटर हमने कम ज़्यादा करने के लिए बनाया और हम कैसे नॉर्मल चूल्हे पे हम इग्नाइटर लेते हैं या कुछ लेते हैं, उसके लिए हमने एकदम इंटीग्रेटेड बनाया है, इग्नाइटर सब यहाँ पर ही दे दिया है कि एकदम से इसे दबाने से चल जाएगा, चालू हो जाएगा। यस, इसको दबाने से आपका कुकर चालू हो जाएगा। और बंद कैसे करेंगे सर? बंद ये वाल्व से कर सकते हैं, उसको नीचे करेंगे तो आपका वो भी बंद हो जाएगा फ्लेम। जी जी। अच्छा सर अब समस्या ये आती है थोड़ी सी कि इसे चलाने के लिए सर ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ से अवेलेबल होगी? सर ग्रीन हाइड्रोजन सिलेंडर्स अवेलेबल है मार्केट में एट अ सर्टन प्राइस, इंडिया में लॉन्च हो चुका है, ग्लोबली तो बहुत ज़्यादा सस्ता है, चीपर है, बट हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं और ग्लोबली प्रेडिक्ट हो चुका है कि बाय 2025-2026 ग्रीन हाइड्रोजन बहुत सस्ता हो जाएगा, इट विल बी वेरी चीपर और ये सब प्रोडक्ट्स बहुत बूस्ट होएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ हमें लोगों को जानना है कि लोगों को बताना है कि ये सब चीज़ें सस्ती होने वाली है और ये सब चीज़ें को पुश कीजिए, ये सब चीज़ें एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है,
प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे तो होता रहेगा, बट हम जैसे जैसे यूज़ करते रहेंगे, जैसे जैसे टाइम बीतता रहेगा, हमारे प्रोडक्ट्स और ऊपर आएंगे। सो ये फ्यूचरिस्टिक चीज़ों में लोगों को नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। तो सर, जैसे मैंने बताया था अपने वीडियो की शुरुआत में ही कि भाई जिस तरह से हम LPG पर रोटी, LPG का जो चूल्हा होता है सर, उस पर रोटी सेकते हैं रखने बाद में, तो उसमें तत्व पहुँच जाते हैं, वो हार्मफुल होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, ये तो हार्मफुल नहीं है सर। एक आपको बात बताना चाहूँगा LPG और बाकी सब नेचुरल गैसेस की, ग्रीन हाइड्रोजन से, ग्रीन हाइड्रोजन इज़ नॉन टॉक्सिक, मतलब जो नाक में LPG जाती है वो हमारे लिए हार्मफुल है और कोरोसिव होती है मेटल्स के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन इज़ नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव, मेटल को भी हार्म नहीं है, हमें भी इतना ये नहीं है, नॉन टॉक्सिक है। और एक और चीज़ है ग्रीन हाइड्रोजन की कि उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, मतलब नॉर्मल हवे जो आग आती है, ये ग्रीन हाइड्रोजन की आग ज़्यादा हीट देती है, मतलब कम टाइम पे आप ज़्यादा कुक कर सकते हो। सो ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस है ग्रीन हाइड्रोजन के, सिर्फ रिन्यूएबल नहीं है। आप मुझे चाहिए लोगों की, लोग मोर जाने ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में और रिसर्च करें और जाने और इस आइडिया को पुश करें। अच्छा सर, अब हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका एक सवाल जरूर उनके मन में आ रहा होगा और ये कह रहे होंगे भाई इस टाइप का सवाल तो आपने पूछा ही ना, तो जब हम LPG का सिलेंडर यूज करते हैं या ग्रीन हाइड्रोजन का हम सिलेंडर यूज करेंगे तो दोनों में की कॉस्ट में क्या डिफरेंस हो सकता है? अगर हम फिलहाल की सिचुएशन देखें अभी के, तो कॉस्ट मैं बोलना चाहूँगा कि डबल या ट्रिपल भी जा सकता है, बट जैसे मैंने बोला कि ये फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है, आने वाले 2-3 साल में, आप मेरी बातें नोट कीजिए, ग्रीन हाइड्रोजन बहुत चीपर होने वाला है LPG से कंपेयर होने वाला है कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में, और तभी हम ये सब प्रोडक्ट्स के लिए अप्रोच करेंगे। और तभी मुझे चाहिए कि लोग ये जाने कि इस चीज़ को बढ़ापा, इस चीज़ को प्रमोट किस लोगों ने किया है, कहाँ से आया है। तो हमारी कंपनी इस चीज़ को, इस आइडिया को पुश कर रही है अभी, और हमें चाहिए कि लोग भी पुश करें। और ऑफ़ कोर्स LPG से अभी के सिचुएशन पे मैं बोल सकता हूँ कि नहीं है, कंपैरेटिवली LPG इज़ वे चीपर, बट अगर हम इकोनॉमी के बारे में सोचे, दुनिया के बारे में सोचे, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सोचे, तो मुझे चाहिए कि लोग कंट्रीब्यूट करें, अपने दिल से, दिमाग से सोचे और थोड़ा सा पुश करे, पैसा डाले और ये सब चीज़ों को बढ़ा पाते फिलहाल। तो सर, जिस तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली है तो मेरे विचार से सरकार को इस पर सब्सिडी देनी चाहिए ताकि इसे बढ़ावा मिले, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, इन्वायरमेंट हमारा अच्छा हो, खाना भी अच्छा बन सके और सारा कुछ मतलब अच्छा हो। कुल मिला के LPG को धीरे धीरे हटा दें और धीरे धीरे ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर आएँ सर, लोगों की पहुंच के आसपास कर इसे कर दें ताकि लोगों की पहुंच पर ये पहुंच जाए तो आसानी से इसे यूज भी कर लेंगे और जब लोगों को आसानी से मिल जाएगी तो क्यों कोई LPG लेगा, क्यों कोई हार्मफुल चीज़ लेगा, कोई अच्छी चीज़ ना लेगा सर। बिल्कुल, आपके जैसे विचार है, मुझे ऐसे ही 2-3 लोग सुबह से आके मिल चुके हैं और बोलते हैं कि हमें मिनिस्टर से बात करना है, हमें गवर्नमेंट को ये अप्रोच देना चाहिए कि ऐसी अच्छी चीज़ें हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हेल्प करें और ऐसी अच्छी चीज़ें पुश करें, गवर्नमेंट को बताए सब्सिडीज़ के लिए ये सब। ऑफकोर्स ये चीज़ें डिफ़िकल्ट है एट द मोमेंट, बट अगर हम सब एकजुट होकर कोशिश करें इसके बारे में तो मुझे लगता है कि हमारा फ्यूचर ब्राइट है और लोगों को सपोर्ट मिले तो कुछ भी पॉसिबल है। तो सर, ये मार्केट में कब तक आ सकता है? अभी हम फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में है, हम चाहते हैं कि लोग हमें बताएं कि उनको कैसा चाहिए। जैसे अभी ये एक ही इस पे बना है, एक ही ब्लॉक पे है, सिंगल फ्लेम वाला, ऐसा डबल वाला बनेगा? अब लोगों की डिमांड जैसी जैसी है, डबल ट्रिपल और बड़े सिस्टम पे, रेस्टोरेंट के लिए मेनली, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी हीट ज़्यादा है तो कम टाइम पे ज़्यादा खाना बनता है, तो ये कमर्शियल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मुझे रेस्टोरेंट्स, कुकिंग सिस्टम, ये सबसे रिस्पॉन्स चाहिए कि उन्हें कैसा चाहिए, उनके रिस्पॉन्स पे हम कस्टमाइज़ करेंगे इसे और प्रोडक्शन पे डालेंगे लोगों के साथ।